नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान वास पाकिस्तान के बीच में जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का 22वां मुकाबला खेला जाना है उसकी। और भाइयों, इस मैच में क्या होने वाला है, कौन से प्लेयर्स इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है, कौन से प्लेयर्स फ्लॉप होने वाले हैं और कौन से प्लेयर्स इस मैच में तगड़ा काम करने वाले हैं, और क्या रहेगी पिच रिपोर्ट, कैसे बनाना है आपको इस मैच में स्मॉल लीग टीम्स, कैसे बनाना है आपको इस मैच में ग्रैंड लीग टीम्स, सब कुछ भाइयों आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और भाइयों, वर्ल्ड कप आपके भाई का बड़ा ही ज़बरदस्त चल रहा है भाई। कल मेरी वीडियो जिसने देखी वो ग्रैंड लीग जीता है। आप बस मेरी कल की वीडियो देख लो, बोलोगे भाई क्या टीम बना के दी थी वीडियो में आपने, ठीक है। मतलब यार भाई, कल का प्रेडिक्शन एकदम जबरदस्त था। बाकी कल मैंने है ना लाइनअप के टाइम पे अपनी टीम जरूर खराब कर ली थी, लेकिन हाँ वीडियो में मेरा प्रेडिक्शन देखोगे ना तो बोलोगे भाई मानना पड़ेगा यार, ठीक है। बाकी परसों जो मैच हुआ साउथ अफ्रीका का इंग्लैंड का भाई, उस मैच में आपके भाई ने फिर से ग्रैंड लीग में टॉप कर दिया, और मेरे जितने भी मेंबर थे सबने ग्रैंड लीग में टॉप किया। आप आगे मेरे टेलीग्राम पे रिजल्ट भी देख सकते हो। और साउथ अफ्रीका बस इंग्लैंड का एक बार आप प्रेडिक्शन देख लोगे ना मेरा वीडियो में तो बोलोगे भाई यार काश, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो बोलोगे काश भाई मैं आपकी ये वीडियो पहले देखा होता तो उस दिन मैं भी ग्रैंड लीग जीत गया होता। तो भाई वो ऐसा चल रहा है आपके भाई का वर्ल्ड कप। और इस वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से पहले आपके भाई ने कमिटमेंट दी थी एशिया कप में कि भाई वो वर्ल्ड कप आ रहा है और इस वर्ल्ड कप में 10 प्लस मैचों में ग्रैंड लीग विन कराऊंगा। और भाइयों अभी तक के 21 मैच हुए हैं और आपके भाई ने 6 मैचों में 2-2 करोड़ रुपए विन करवा दिए, और आपके भाई ने भी कुछ खूब सारी विनिंग्स करी इस वर्ल्ड कप में। तो आप आओ मेरे टेलीग्राम पे, आओ आप रिजल्ट देखो। बाकी मैं आपको बता देता हूँ मैंने इस वर्ल्ड कप में किस किस मैच में 2-2 करोड़ रुपए विन करवाए। वर्ल्ड कप का दूसरा मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड का, उसमें आपके भाई ने विन करवाए। फिर उसके बाद में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था आज जहाँ पे मैच है चेन्नई में, और उस दिन एक दिन पहले ही बोल दिया था भाई चेन्नई में आपका भाई हमेशा धमाका करता है तो आज भी धमाका होगा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में जो 2 करोड़ रुपए विन करा था वो मेरा ही बंदा था, आप जाके उसकी फॉलोइंग लिस्ट में देख लेना, मुझे फॉलो किया हुआ था। फिर उसके बाद में नीदरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड हुआ, उसमें 2 करोड़ रुपये मेरा प्राइम मेंबर विन करा। आ जाओ आप टेलीग्राम पे रिजल्ट देख लो, ठीक है। आप तो एक काम करो नीदरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की वीडियो देख लो, बोलोगे भाई क्या मैच देख के आते हो तब वीडियो बनाते हो, सब आपको कैसे पता हो जाता है, ठीक है ऐसा बोलोगे आप। फिर उसके बाद में साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड का मैच हुआ, उसमें आपके भाई के सारे प्राइम मेंबर्स और आपके भाई ने ग्रैंड लीग में टॉप किया। फिर उसके बाद में भाइयों न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का मैच हुआ, उसमें आपके भाई ने ग्रैंड लीग में टॉप करवाया सारे प्राइम मेंबर्स को, ऐसी टीम बना के दी थी भाई, मेरे पूरे के पूरे ड्रीम टीम के प्लेयर थे। और उस मैच में आपके भाई ने स्मॉल लीग से क्लीन स्वीप अप टू मिनी ग्रैंड लीग भी किया था, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और मैच था, कौन सा वाला था, हाँ इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। भाई आप मेरे कहने पे टेलीग्राम पे आके जो मैंने 6 मैच बताए हैं इनके रिजल्ट देख लो, फिर उसके बाद में ज्वाइन करना, ठीक है। कल का मत देखना, कल मैंने टीम बहुत खराब बनाई थी भाई। बाकी वीडियो में मेरा पूरा का पूरा सटीक प्रेडिक्शन था, डेरिल मिचल को मैंने लेके दिया था, विराट कोहली का बोला था कि भाई वो टुक टुक करके रन बनाएगा, 100 तक के रन बनाएगा, और अगर इंडिया को 20 रन भी चाहिए रहेंगे जीतने के लिए, और अगर विराट कोहली 77 पे भी रहेगा तो भी विराट कोहली पूरे वो 20 रन बनाएगा शतक के लिए। तो ये भी बात मेरी भाई, कई सारे बंदों ने उसको CVC बनाया इसको लेके कि हाँ भाई बोल रहे हैं भाई शतक बनाएगा विराट कोहली, तो कल भाई विराट कोहली चला है। और भी मोहम्मद शमी का मैंने क्लियर बोला था, और मैंने बोला था बुमराह और सिराज एक विकेट से ज़्यादा नहीं लेंगे। भाई आप कल की वीडियो जिसने देखी होगी उनको तो मालूम है ये सब बातें। बाकी लास्ट मैचों का मैंने आपको बता ही दिया, 6 मैच जो है इस वर्ल्ड कप में 2-2 करोड़ रुपये विन करवा चुका हूँ उनमें, आगे आप टेलीग्राम पर रिजल्ट भी देख सकते हो, ठीक है भाइयों। तो ये तो हो गई लास्ट मैचों की बात, ये 2 करोड़ रुपए 6 मैचों में जितना है, उसके अलावा भाइयों हर मैच में आपके भाई ने स्मॉल लीग में क्लीन स्वीप अप टू मिनी ग्रैंड लीग किया है, तो इतना जबरदस्त चल रहा है आपके भाई का वर्ल्ड कप, ठीक है भाइयों। तो आना आप टेलीग्राम पे रिजल्ट देखने। बाकी
अगर आपको अभी मैंने 6 ग्रैंड लीग्स विन कराई है, लेकिन कमिटमेंट कितनी है 10 विन करवाने की, तो 4 मैचों में और करवाऊंगा, होगा तो भाई 14 मैचों में भी करवा सकता हूं, क्योंकि अभी मैच बहुत सारे बाकी है वर्ल्ड कप के, अभी आधा भी वर्ल्ड कप नहीं हुआ है, आधे से ज़्यादा मैच बाकी है। तो अगर आपको भी भाइयों ग्रैंड लीग्स विन करना है तो भाई इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और बस सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में मेरी वीडियो आ जाती है, बस आप वीडियो देखो और भाई ग्रैंड लीग जीतो। आज का मैच जो है ना चेन्नई में है, आज का मैच बड़ा ज़बरदस्त है, बस आप सुनते जाना, मैं जिस प्लेयर के बारे में बोलूँ बस उसको अपनी टीम में लेते जाना, जिसको बोलूँ ड्रॉप करने का उसको हटाते जाना, आज भी आप ग्रैंड लीग जीतोगे। ठीक है भाई, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, आज भी ग्रैंड लीग जीतोगे। ठीक है, तो अगर आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और टेलीग्राम चैनल जल्दी से जाके ज्वाइन करो। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको मेरी 2 ग्रैंड लीग की टीम मिल जाएगी, प्लस स्मॉल लीग की क्या मेरी टीम रहेगी वो भी आपको मिलने वाली है। ठीक है भाइयों, तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, बाकी अब सीधे बात करेंगे आज के मैच के ऊपर, आज के मैच में क्या होने वाला है उसके ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाइयों इस मैच की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो भाइयों एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, आपके भाई की फेवरेट पिच पे मैच खेला जाने वाला है, और इस पिच पे होने वाला क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ये है भाइयों स्पिन फ्रेंडली विकेट, यहां पे मिलती स्पिनर्स को हेल्प, और अफगानिस्तान की टीम की जो स्ट्रेंथ, जो क्या बोलते हैं ताकत है, स्ट्रेंथ है, तो वो क्या है स्पिन। तो भाइयों अफगानिस्तान की टीम आज आपको हावी दिखने वाली है, लेकिन हाँ पाकिस्तान के पास में भी क्वालिटी स्पिनर्स है, और वो भी भाइयों आज के मैच में ज़बरदस्त रहने वाले हैं। बाकी भाइयों ये मत सोचना कि पाकिस्तान एक तरफा जीत जाएगा, जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती है ना मैच बड़ा टक्कर का होता है। ठीक है, एशिया कप में लड़ाई हुई थी, फिर उसके बाद में फिर लड़ाई हुई है, टीवियाँ फूट जाती है इनके, मतलब इंडिया पाकिस्तान की जैसी टक्कर है ना वैसे अफगानिस्तान वास पाकिस्तान की भी अभी टक्कर चल रही है बहुत खतरनाक। ठीक है, तो भाइयों आज भी हो सकता है आपको इस बीच में लड़ाई वड़ाई धक्का मुक्की झूमा झटकी दिखाई दे दे, हो तो चुकी एक बार, एक और बार देखना चाहूँगा, बस मैच भी बढ़िया होने वाला है भाइयों। ठीक है, दोनों बार नसीम शाह ने इनको हारा हुआ मैच जितवाया है, लेकिन नसीम शाह तो अब है नहीं, अब कौन जितवाएगा। तो भाइयों अफगानिस्तान भारी पड़ जाता है पाकिस्तान पे। ठीक है, बाकी पाकिस्तान के अफगानिस्तान के पास में इस मैच में ऐसे ऐसे गेंदबाज है ना जो बहुत बढ़िया रहने वाले हैं इस पिच पे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाइयों मैच टक्कर का होगा, एक तरफा मत सोचना। बाकी जो टीम पहले बॉलिंग करेगी, मतलब कौन सी टीम पहले बॉलिंग करती है भाई, उसके 2 फास्ट गेंदबाज आपको लेने पड़ेंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा टीम कैसे बनाना है आपको। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पिच पे क्या होगा। तो मैंने आपको मैच का बता दिया भाइयों, स्पिन फ्रेंडली विकेट है, स्पिनर्स को ज़्यादा सूट करता है, और क्या है कि 2 बजे मैच स्टार्ट होगा, तो धूप निकलेगी और पिच रहेगी ड्राई। ठीक है, और ड्राई विकेट पे होता क्या है कि स्पिनर्स को अच्छा टर्न मिलता है, और मेरी वो जो आपको मैंने खुफिया बात बताई थी कुलदीप यादव वाली, याद है ना, वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा, कुलदीप यादव ने क्यों लिए थे 2 विकेट कल, वो बात मैं आपको आगे बताऊंगा, वो तो सीक्रेट वाली बात है, किसी को पता चल जाए इसलिए मैं वो क्या एंड में बताता हूँ। तो भाइयों धूप की वजह से पिच रहेगी ड्राई, और ड्राई विकेट पे स्पिनर्स को मिलता है ज़बरदस्त टर्न। ठीक है, बॉल हो जाती स्पिन। बाकी ये जो विकेट है भाई, सेकेंड इनिंग में भी यहाँ पे स्पिनर्स को अच्छा खासा टर्न मिलता है, लेकिन इस मैच में आपको स्पिनर पे तो ध्यान रखना ही है, लेकिन भाइयों दोनों टीमों के फास्ट गेंदबाज कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे पूरा क्लियर कर दूंगा मैं आपको इस मैच में, मतलब इतनी तैयारी करके आया आपका भाई इस मैच में कि भाई इस मैच में ग्रैंड लीग आने के पूरे चांसेस हैं। तो फास्ट बॉलर्स कौन से लेना है, स्पिनर्स कौन से लेना है, और बल्लेबाजों में सब लोग गलती कर रहे हैं आज, 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको कोई भी टच नहीं कर रहा, और भाई वो इस मैच में बहुत ज़बरदस्त हैं, तो वो 2 बल्लेबाज कौन से हैं पता चल जाएगा आपको आगे वीडियो में। पिच रिपोर्ट आपको समझ में आई, स्पिन फ्रेंडली विकेट है, लेकिन मैं जो फास्ट बॉलर्स बताऊँ उन पे भी ध्यान रखना। ठीक है, 2 बल्लेबाज जो बताऊँ उन पे खासकर ध्यान रखना। पिच रिपोर्ट के साथ में जो प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या है,
तो भाइयों जो टीम टॉस विन करती है ज़्यादातर यहाँ पे पहले बैटिंग करती है, लेकिन हाँ अभी क्या है कि सेकेंड इनिंग में ड्यू भी आ जाती है, तो हो सकता है कि टीम फील्डिंग लेने का डिसीजन लें और हो सकता है ड्यू की वजह से रन चेज भी ईजी हो जाए। लेकिन हाँ दोनों ही टीमों के पास में क्वालिटी स्पिनर्स है, तो सेकेंड इनिंग में भी हावी हो सकते हैं। ठीक है भाइयों, बाकी आज शादाब खान खेलेगा नहीं खेलेगा, नूर अहमद खेलेगा नहीं खेलेगा, वो आपको आगे में अभी टीम बनाते हुए समझा दूंगा। ठीक है भाइयों, तो यही था पिच रिपोर्ट में। अब बात करेंगे सीधे इस मैच की टीम के ऊपर, कैसे आपको इस मैच में टीम बनाना है, किसको लेना है, किसको हटाना है, कैसे ग्रीन लीग टीम बनाना है, कैसे स्मॉल लीग टीम बनाना है, तो वो मैं आपको डायरेक्ट टर्मिनल खोल के ओपन करके बना के बता देता हूँ। ड्रीमलेन ओपन कर लेता हूँ भाइयों, लेकिन उससे पहले फ्लाइट मोड पे कर लूँ मैं मोबाइल। कल पता नहीं क्या हुआ कि शुरू में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी, तो मैं कल दिखा रहा था ग्रैंड लीग विनिंग प्रूफ, चलो आज के वीडियो में दिखा देता हूँ। ठीक है, कल बहुत से बंदे बोल रहे थे भाई दिखाई नहीं दे रहा है, चलो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो भाई ड्रीमलेन ओपन हो गया है, और इंग्लैंड व साउथ अफ्रीका का रिजल्ट देखो आप, सब सबको रखो साइड में, ये देखो आप मेरी टीम भाई। इस टीम में बंदे थोड़ा थोड़ा एक एक प्लेयर चेंज करके सारे ग्रेड लीग में टॉप पे थे। ये वाली टीम आपके भाई ने प्राइम ग्रुप में दी थी, मालूम है, आप मेरे आके देखो टेलीग्राम पे। प्राइम भी ज्वाइन कर सकते हो भाई, प्राइम मेंबरशिप भी देता है आपका भाई, और प्राइम ग्रुप में आपको ऐसी टीम्स मिलेगी। पता है आपको इस टीम में थोड़े थोड़ा चेंज करके बंदों ने क्या करा है? कल तो खैर मैंने दिखाया तो था, पर वो ऑन नहीं हुई थी रिकॉर्डिंग। ये देखो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या किया है बंदों ने। ये देखो ये जो दिख रहे हैं अजहर विनर, ये मेरी डीपी लगाए हुए हैं और थर्ड रैंक आई है इनकी। ठीक है, उसी टीम से बस थोड़ा सा इनने चेंज कर दिया है। ठीक है, क्या है मैंने भाई इस मैच में बोला था क्लासेन मारेगा, और क्लासेन को बस उनने कैप्टन कर दिया, बाकी रिजा हेंड्रिक्स को मैंने लेके दिया ही था। तो ये तो आपको वो तो उनने तो मेरी डीपी लगा के रखी भाई, डीपी ओपन करूँगा तो फिर वो हो सकता है कल फिर वही वाला कांड हो जाए। बाकी ये जो है ना, ये जो फर्स्ट रैंक पे इनने भी मुझे फॉलो किया हुआ, ये भी मेरे मेंबर ही थे। तो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का रिजल्ट दिखा रहा हूँ कल, क्योंकि ओपन नहीं हुआ था वीडियो में। बाकी मेरी भी थर्ड रैंक आई थी, और ये वाली जो टीम है ना, ये मैंने टेलीग्राम में दी थी, और यही मेरी इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका की वीडियो में स्मॉल लीग टीम थी। यकीन नहीं है, चेक कर लो भाई जाके आप। ठीक है, यही टीम थी सेम की सेम। कोटजे को किसी ने लिया ही नहीं था, आपके भाई ने कैप्टन कर दिया था। क्लासेन को किसी ने नहीं लिया था, आपके भाई ने पूरी 20 टीम में ले लिया था, और बोला था शतक लगाएगा। तो ये डिकोक को मैंने बोला था क्लियर फ्लॉप, देखो तो उस मैच में ऐसा प्रेडिक्शन था। रूट, बटलर, वेनिस्टोक सबको मैंने बोला था फ्लॉप, और देखो सब फ्लॉप गए थे। तो ये तो मेरी स्मॉल लीग की टीम थी भाइयों। चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो आप। ठीक है, इस वाली ग्रैंड लीग में देखो ड्रीमलैंड ने वैसे बंदे की मेरी डीपी तो हटा दी है, पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखो ये मेरी टीम है, देख लिया आपने। बस इसी टीम में बंदे ने मार्क वुड की जगह पे एटकिंसन ले लिया और सीवीसी रिवर्स कर दी, और देखो उसका रिजल्ट क्या है, सेकेंड रैंक है। ड्रीमलैंड ने डीपी हटा दी है, लेकिन ये मेरे ही मेंबर है, आपको यकीन अब वैसे हो जाएगा ऐसे। ये देखो हो गया यकीन, सीबीसी बस रिवर्स करे और मार्गवुड की जगह पे बस एटकिंसन ले लिया, बंदे ने 400,000 विन कर लिए, और देख लो मुझे बकायदा फॉलो भी किया हुआ है उनने। ड्रीमलैंड ने डीपी भले हटा दी, लेकिन ये कैसे हटाओगे भाई, फॉलो भी किया हुआ है बंदे ने। ठीक है कोई बात नहीं। तो भाइयों ये था इंग्लैंड व साउथ अफ्रीका का रिजल्ट। अब इसके अलावा जो मैंने 5 मैच और बताए ना, उनके आप आगे टेलीग्राम पे चेक कर लेना रिजल्ट, बोलो तो अभी दिखा दूं, पर क्या है वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का रिजल्ट। इस मैच में और भी काफ़ी सारी मेरे मेंबर्स ने ग्रैंड लीग्स में टॉप किया था, प्राइम मेंबर्स ने। प्राइम मेंबरशिप का मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, वीडियो के एंड में, अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, पहले अभी सीधे मैच के बारे में बात करेंगे आज के। तो भाइयों ये था इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का रिजल्ट, कैसा लगा आपको, मज़ा आया? कल क्या है ओपन नहीं हो पाया था, पता नहीं कैसे क्या ये शो नहीं हो रहा था आपके सामने, जबकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो एडिट करी थी मैंने। चलो ठीक है, जो भी है, बाकी अब सीधे बात करते हैं आज के मैच के ऊपर। आज के मैच में अभी मैंने टीम तो बनाई नहीं है ज़्यादा, क्या है कि यार भाइयों मैं है ना रात को सो गया था जल्दी, और मैं उठाऊँ थोड़ा लेट, अभी मालूम है कितना 5:15 बज रहा है,
और मुझे क्या है ये वीडियो 6 बजे से पहले कंप्लीट करना है, नहीं तो क्या है सामने बाजू में हमारे हनुमान जी का मंदिर है तो वहाँ पे भजन वगैरह बजते हैं बहुत तेज़, तो फिर वो यूट्यूब अलाउ नहीं करता ये सब चीज़ें। भजन अगर आपकी वीडियो में या फिर कोई भी सॉन्ग या फिर कोई भी म्यूज़िक बज जाता है तो कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा क्या है कि 6 बजे से पहले मुझे वीडियो ख़त्म करना है, इसलिए मैं जल्दी से आ गया हूँ। कहाँ पे? ड्रीमलियन पे। आपको इस मैच की टीम बना के देने। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में कौन कौन खेलने वाला है और कौन क्या करने वाला है। तो भाई वो रिजवान खेलने वाला है, गुरबाज खेलने वाला है, इकरम अली खिल खेलने वाला है। अब बात करेंगे कौन कितने नंबर पे खेलने वाला है। रिजवान आपको चौथे नंबर पे खेलता हुआ दिखाई देगा, गुरबाज आपको ओपनिंग करता हुआ दिखाई देगा, इकरम अली खिल आपको 5वें से 6वें नंबर पे बैटिंग करता हुआ दिखाई देने वाला है। रिजवान और गुरबाज राइटी है, इकरम अली खिल लेफ्टी है, ये चीज बहुत काम आने वाली है आपके। चलो बताता हूँ लेफ्टी राइटी। तो भाइयों सबसे पहले तो बात कर ली जाए कि भाई मैं लेने वाला किसको हूँ इस मैच में। तो भाइयों अभी मैं आपको अपनी स्मॉल लीग की टीम बना के बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं स्मॉल लीग में रिजवान के साथ में जाने वाला हूँ, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो रिजवान के साथ में जाऊँगा मैं, ठीक है। रिजवान के साथ क्यों जाऊँगा? क्योंकि अफगानिस्तान की टीम जो है वो राइट हैंडर्स के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल करती है, क्योंकि उनके पास में नहीं है कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर। आज नूर अहमद खेलेगा लेकिन वो है लेफ्ट आर्म चाइना मैन, वो भले आउट कर सकता है लेकिन पता चल रहा है 50 बनने के बाद में आउट करे राइटियों को, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थोड़ी, लेफ्ट आर्म चाइना मैन है वो, ठीक है। लेफ्ट आर्म स्पिनर है इनके पास में शराफुद्दीन अशरफ, पर वो कुछ खास गेंदबाज है नहीं इसलिए उसको मौका ही नहीं मिलता है, तो आज के मैच में भी नहीं खेलेगा। बाकी रिजवान को क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि भाई वो अफगानिस्तान की जो टीम है वो राइट हैंडर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है, ठीक है। तो रिजवान राइटी है, प्लस क्या है कि रिजवान हमेशा अफगानिस्तान के खिलाफ रन भी बनाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, रिजवान राशिद खान की बॉल पे हमेशा आउट हो जाता है, तो एक राशिद खान का थोड़ा सा इसको डर भी रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर रिस्क लेते हो ग्रैंड लीग में तो छोड़ भी सकते हो इसको अपनी टीम में, ठीक है। क्योंकि राशिद खान इसको मुझे लगता है कि आज भी उड़ा सकता है, और पिच पे स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी भाई, रिजवान की गिल्ली उड़ेगी, ठीक, या फिर LBW। लेकिन फिर भी मैंने रिजवान को लिया है इस बॉलिंग में, क्योंकि वही राइट हैंडर्स वाला मैटर है, पता चल रहा है आज खेल ले राशिद खान को, ठीक है। वैसे तो हमेशा आउट होता है राशिद खान की बॉल पे, पर फिर भी मैंने अपने इस बॉलिंग टीम में लिया है, क्योंकि ये यार ये चिपकू आदमी, ठीक है, चिपक जाता है ये, तो लिया है मैंने रिजवान को। अब बाकी जो 2 विकेटकीपर और हैं भाइयों, इनको भी आप इस मैच में लेके चल सकते हो, ठीक है। खासकर बोलूं किसको, तो उसका नाम है इकरम अली खिल। अब बोलोगे भाई इकरम अली खिल क्या बात कर रहे हो, चल जाएगा क्या भाई? हाँ, आज के मैच में रिजवान से भी अच्छा है, गुरबाज से भी अच्छा है। अब बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास में आउट करने वाला बॉलर नहीं है लेफ्टियों को। लेफ्ट हैंडर्स पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा रन बनाते हैं, ये इस चीज को कहीं भी नोट करके रख लो। राइट हैंडर्स इंग्लैंड के खिलाफ हमेशा रन बनाते हैं, राइट हैंडर्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाते हैं, ठीक है, राइट हैंडर अफगानिस्तान के खिलाफ रन बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ लेफ्ट हैंडर्स रन बनाते हैं। डेविड वॉर्नर का बोला था मैंने पाकिस्तान के मैच में, भाई तोड़फोड़ मचाने वाला है, आज पूरी 20 टीम में रहने वाला है, CVC कर लेना, याद है ना डेविड वर्नर ने क्या किया? हाँ, तो वही चीज, ठीक है भाइयों। तो डेविड वर्नर को मैं, सॉरी डेविड वर्नर नहीं है, इकरम अली खिल भाई इस मैच में बहुत जबरदस्त पिक है, साथ में ये विकेट कीपिंग भी करेगा, ले लो भाई आप मेरे कहने पे इसको, ठीक है। चाहो तो रिजवान को हटा के इसको ले लो। अभी मैं आपको ग्रैंड लीग की टीम बना के बताऊंगा उसमें लेने वाला हूँ, कैसे लूंगा बताऊंगा, कैसे मैं लूंगा, कैसे टीम बनाते हुए लूंगा इसको, ठीक है। अभी हाल फिलहाल के लिए मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं बस रिजवान को ले रहा हूँ, क्योंकि भाई इस मैच में बॉलिंग सेक्शन में और ऑलराउंडर सेक्शन में ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो 101% इस मैच में तगड़ा काम आपको करके देंगे। तो वो कौन से प्लेयर्स रहेंगे आगे बात करेंगे। बाकी भाई वो ज़्यादा बल्लेबाजों में मत उलझना, जो जो बता रहा हूँ उन पर ध्यान रखना। देखो इकरम अली खेल को कोई नहीं ले रहा है, आप ले लो मेरे कहने पर, ठीक है, आज के मैच में
लगभग कंफर्म है कि भाई तगड़ा रहने वाला है और अच्छे खासे रन बनाने वाला है। बात की जाए रहमानुल्लाह गुरबाज की, तो भाइयों गुरबाज पाकिस्तान को हमेशा धोता है, शाहीन अफरीदी को भी बढ़िया खेलता है, शादाब खान को भी बहुत अच्छा खेलता है, हारिस राउत को भी बहुत अच्छा खेलता है। बस अभी सामना नहीं हुआ है तो हसन अली के साथ, तो पता चल रहा हसन अली आउट कर दे। और सामने वाली जो पाकिस्तान की टीम है उनमें एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, कौन, मोहम्मद नवाज, तो हो सकता है वो आउट कर दे, विकेट कीपरिंग तो करेगा नहीं। तो भाई बस बैटिंग से मौका है गुरबाज के पास, अगर एक हाथ गलत शॉट मार दिया तो बस आपकी ग्रेड लीग मिस हो जाएगी, फिर पूरा मैच आप टीवी बंद कर दो, यार है एक प्लेयर मिस हो गया, 10 प्लेयर चल जाएंगे गुरबाज मिस हो जाएगा, या फिर भाई चल भी सकता है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा रन बनाता है, पर इसकी एक बहुत गंदी आदत है। क्या गंदी आदत है सुन लो ध्यान से, आक्रामक ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे गलत शॉट मार देता है, बस वही विकेट खो जाता है बेचारा, जल्दबाजी में जल्दी चला जाता है, ठीक है। तो एक ये माइनस पॉइंट है, और प्लस क्या है, विकेट कीपरिंग करता नहीं है, कर नहीं रहा है। तो भाई देखो विकेट कीपरिंग नहीं कर रहा ना, इस वजह से फ्लॉप हो सकता है। जिस मैच में ये विकेट कीपरिंग नहीं करता ना, 95% मैचों में फ्लॉप हो जाता है जिसमें ये विकेट कीपरिंग नहीं करता है, क्योंकि फिर विकेट कीपरिंग से पॉइंट मिलते नहीं और बैटिंग से कुछ करा हुआ रहता नहीं है, या फिर अगर 17-18 रन बनाए हैं और 30-35 पॉइंट विकेट कीपरिंग से ले गया है तो 50-60 पॉइंट हो जाते थे। अब वो जो विकेट कीपरिंग के पॉइंट है वो आएंगे इकरम अली खेल के खाते में, तो समझ गए 15 पॉइंट पे गुरबाज रह सकता है। तो गुरबाज को भी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ अभी के लिए, लेकिन हाँ बताऊँगा मैं अभी आपको एक टीम बना के। भाई ये वीडियो जल्दी जल्दी करना पड़ेगी मेरे को, क्या है कि घंटी बज गई है मंदिर की, पता चल रहा 5:30 बजे आज भजन बजा दे, आज दिन कौन सा यार, मंगलवार नहीं होना चाहिए यार आज, नहीं नहीं कल संडे था, सोमवार को ना बजा दे यार लोग जल्दी गाने, वीडियो मेरी ख़राब हो जाएगी। चलो भाई जल्दी जल्दी करना पड़ेगी वीडियो, इसलिए चलते हैं बैटिंग सेक्शन में। अभी दो ग्रैंड लीग की टीम में दिखा दूंगा आपको कैसे बनाई है मैंने, बाकी स्मॉल लीग में रिजवान के साथ ही जाऊंगा। बात की जाए भाइयों बैटिंग सेक्शन में, भाइयों पहले मैं डायरेक्ट ना आपको बता देता हूँ कौन कौन तगड़ा है इस मैच में बैटिंग सेक्शन में। इमाम उलक को भाई ड्रॉप कर दो इस मैच में, बहुत रिस्की है क्योंकि राशिद, नबी, मुजीब इन तीनों में से कोई भी इसको आउट कर देगा, क्योंकि ये जो तीन गेंदबाज के नाम लिए हैं ये लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं और लेफ्टी आउट हो जाते हैं इनके खिलाफ, ठीक है। अफगानिस्तान के खिलाफ लेफ्टियों को हटा दिया करो, ठीक है। तो इमाम उलक का मैंने आपको बता दिया, सब लोग ले रहे हैं आप हटा दो। आई जदरान भी भाई थोड़ा सा रिस्की है, पता चल रहा है शाहीन अफरीदी पावर प्ले में उड़ा दे या फिर हसन अली या फिर भासे क्या बोलते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज, तो तीन का खतरा है। बाकी हाँ शादाब अगर खेलता तो वो भी उड़ा सकता है। शफीक को ले सकते हो भाई इस मैच में, शफीक राइट हैंडर है और अफगानिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छे हैं, ठीक है। शाहिदी लेफ्टी है तो पाकिस्तान के खिलाफ लेफ्टियों के रिकॉर्ड अच्छे हैं, तो शाहिदी का सिलेक्शन देखो आप। रहमत शाह को मैं बोलूँगा ड्रॉप करो, और यहाँ से साउथ शकील को भी मैं बोलूँगा ड्रॉप करो, ठीक है। तीन बल्लेबाज कौन से इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3, ये देखो आप समझ जाओ, ये जो 5 प्लेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5-1 बल्लेबाज रख के टीम बनाते हो तो भाई ये जो 5 बल्लेबाज है बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच में, पांचों आपको देखो 2 तो विकेट कीपरिंग से भी पॉइंट दिला देंगे, बाकी शफीक और बाबर आजम क्या है कि बाबर आजम भी वैसे राशिद की बॉल पे आउट होता है, पर मुझे नहीं लग रहा कि भाई आज जल्दी आउट हो क्योंकि चल नहीं पा रहा है, थोड़ा प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यों मैं बाबर आजम हूँ, ठीक है। तो बाबर आजम वैसे कोई बड़ी बात नहीं हो ना, ठीक है भाई। बाबर आजम क्या है चल सकता है क्योंकि अफगानिस्तान के जो बॉलर हैं वो राइट हैंडर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, शफीक भी राइट ही है तो स्ट्रगल करेंगे इसके सामने भी। बाकी हाँ पाकिस्तान के जो बॉलर हैं वो शाहिदी के खिलाफ और इकरम अली के खेल के सामने स्ट्रगल आपको करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ये जो 5 बल्लेबाज है, 5 बल्लेबाजों की टीम बनाते हो तो इन पांचों को आप बिल्कुल आंख बंद करके ले सकते हो आपके भाई के कहने के ऊपर, ठीक है। 50 ओवर का मैच है, सबकी बैटिंग पूरी पूरी आएगी इसकी मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। अब बोलोगे भाई गारंटी क्यों दे रहे हो, तो भाई इसलिए दे रहा हूं, देखो पाकिस्तान है सामने तो अफगानिस्तान के विकेट गिरेंगे, ठीक है। और पाकिस्तान भाई देखो टॉप 4 ही प्लेयर लिए मैंने, 50 ओवर का मैच है, इतने लोग तो मतलब 50 ओवर खेलेंगे,
समझ में आ गई कहानी। तो ये जो पांच बल्लेबाज है इनको आप बिल्कुल ले सकते हो। पर भाइयों मैं थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ, मालूम है ना आपको, इस मोलिक में मैं थोड़ा ज़्यादा गेंदबाजों को लेना प्रिपेयर करता हूँ। इस मोलिक्स में ग्रैंड लीग में रिस्क लूँगा, पांच बल्लेबाज ले सकता हूँ मैं, और कुछ टीम में एक ही बल्लेबाज लूँगा, एक ड्रॉप करते मतलब किसी में एक को हटाऊंगा, किसी में दूसरे को हटाऊंगा, किसी में तीसरे को हटाऊंगा, किसी को चौथे को हटाऊंगा, समझ गए, ऐसे करूँगा। लेकिन स्मॉल लीग में सिर्फ मैं इन दोनों को ही लूँगा, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। अब चलते हैं ऑलराउंडर्स में। ऑलराउंडर्स में भाई कन्फर्म बता देता हूँ कौन कौन से प्लेयर चलने वाले हैं किस कंडीशन में। देखो भाई दोनों ही कंडीशन में मोहम्मद नवाज का चलना पक्का है। इस मैच में मेरा कैप्टन भी मोहम्मद नवाज है। अजान हो रही है, चलो अच्छा, भजन नहीं बज रहा है, अजान का कॉपीराइट नहीं आता क्योंकि वो उसको कोई आदमी गाता है ना, वो बोलता है इसलिए। तो मोहम्मद नवाज भाई दोनों ही कंडीशन में मेरा सी रहने वाला है इस मैच में, वीसीबी बना सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि सामने वाली जो अफगानिस्तान की टीम है उनमें 8 से 9 राइटी हैं, ठीक है, दो लेफ्टी इकरम अली खिल और शाहिदी, नो राइटी है। इसके अलावा इकरम अली खिल और शाहिदी को हटा के आप देखोगे तो 4 और 5 9 प्लेयर राइटी है। तो मोहम्मद नवाज है लेफ्ट आर्म स्पिनर, भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर राइटी को ही तो आउट करता है, इसीलिए तो खेलता है वो कि उसके सामने राइटी रहे और वो बॉलिंग डाले। तो 10 ओवर पूरी बॉलिंग डालेगा, जबरदस्त रहेगा भाई। बॉलिंग से पूरी उम्मीद रखना, बैटिंग से भले मत रखना क्योंकि वो ही अफगानिस्तान के खिलाफ लेफ्टी रन नहीं बनाते हैं। तो भाइयों बॉलिंग से बड़ा शानदार रहने वाला है बस इस मैच में। भाइयों मेरे हिसाब से आज 5 विकेट खाते में आने वाले हैं, ठीक है। तो शादाब खान, वो सॉरी मोहम्मद नवाज। अब इसके अलावा और किसको लूंगा, तो भाइयों मोहम्मद नबी को भी दोनों ही कंडीशन में लूंगा, कोई भी टीम बॉलिंग करे बैटिंग करे। अब बोलोगे नबी को क्यों लिया, तो भाइयों देखो इमाम उलग, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, भाई चार लेफ्ट हैंडर्स हैं। अगर इसके अलावा फखर जमान भी अगर आज खेलता है तो वो भी एक लेफ्टी है, लेकिन खेलेगा नहीं, ठीक है। तो भाइयों लेफ्टी ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो लेफ्टियों को आउट करने के लिए मोहम्मद नबी को लेना पड़ेगा। साथ में मोहम्मद नबी बैटिंग बहुत ज़बरदस्त करता है, ठीक है, बहुत तगड़ा बल्लेबाज है भाइयों। तो मोहम्मद नबी को मैं इसलिए ले रहा हूँ, बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही ज़बरदस्त प्लेयर, 10 ओवर बॉलिंग करता है पूरी अपनी, ठीक है। मोहम्मद नबी और मोहम्मद नवाज इन दोनों को तो आपको लेना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। अब भाइयों अगर शादाब खान खेलता है आंख बंद करके पूरी 20 टीम में लेना है, बस इतना सा ध्यान रखना है अगर खेलता है तो। कल जैसे मोहम्मद शमी का बोला था 100% 20 टीम में लेना है मोहम्मद शमी को अगर खेलेगा तो शादाब खान का भी वही बोल रहा हूँ कि भाई खेलेगा तो 20 टीम में लेना है। क्यों? क्योंकि भाई शादाब खान के भी राइट हैंडर्स के रिकॉर्ड अगेंस्ट बहुत अच्छे रिकॉर्ड है, प्लस क्या है कि ये विकेट जो है स्पिन फ्रेंडली है, स्पिनर्स को सूट करने वाला है। तो शादाब खान अगर खेलेगा तो भाई आपको जबरदस्त बॉलिंग करके देगा। साथ में राइट हैंडर है, अफगानिस्तान की टीम स्ट्रगल करती है राइट हैंडर्स के सामने, तो भाई आपको बल्ले से भी अच्छा काम करता हुआ दिखाई दे सकता है, ज़्यादा नीचे बल्लेबाजी नहीं करता है, तगड़ा ऑलराउंडर है। पता नहीं लास्ट मैच में क्यों बिठा दिया पाकिस्तान वालों ने, सर के ऊपर से गई थी भाई मेरे बात। भले आप हसन अली को बिठा देते यार, एक आध बल्लेबाज कम कर देते, शकील को बिठा देते, आज के मैच में शकील को बिठा के शादाब को खिलाना चाहिए। यार मुझे लग रहा है ना, फीलिंग आ रही है कि शादाब खान खेलेगा, ठीक है, मैं अभी से ही ले रहा हूँ भाई, पर नहीं खेलेगा तो हटा दूंगा, क्या करूँगा, अभी से ही ले रहा हूँ, शादाब खान बहुत ज़बरदस्त रहेगा इस मैच में। अब इनके अलावा ये जो दो ऑलराउंडर हैं ये भी भाई एक कंडीशन में चलेंगे। अफगानिस्तान की टीम अगर पहले बॉलिंग करें तो उमर जाई को ले लेना, ठीक है। अब बोलोगे ऐसा क्यों, तो भाई उसका ये रीज़न है कि उमर जाई जो है वो 20 ओवर के बाद आता है, ठीक है, तो वहाँ से एकदम से ब्रेक थ्रू दिलवा सकता है, वही पार्टनरशिप को ब्रेक कर सकता है जैसा लास्ट टाइम किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, 20 ओवर के बाद आया था और बस एक ही ओवर में दो को सलटा के चला गया था। तो वही चीज़ है भाई, जो फर्स्ट इनिंग में गेंदबाज होता है ना, जो बाद में आता है उसको जरूर लिया करो, वो पार्टनरशिप ब्रेक करने का काम करता है। और क्या है कि बल्लेबाज उसी को अटैक करते हैं तो भाई विकेट उसके खाते में आता है, समझ गए, ये चीज़ ध्यान रखना। फर्स्ट बॉलिंग में उमर जाई को लेना है, सेकंड बॉलिंग में मैं बोलूँगा आराम से आप ड्रॉप कर दो। फर्स्ट बॉलिंग है अगर अफगानिस्तान की तो लेके चलना उमर जाई को, ठीक है। इफ्तिकार अहमद वैसे तो लेफ्टी काम है, पर शायद ही और इकरम अली खेले अगर वो दोनों टिकेंगे तो भाई और कोई तो उनको आउट करेगा नहीं, इफ्तिकार अहमद कर सकता है, ठीक है। तो वो जो दो लेफ्टी है उनके वजह से आप चाहो तो इफ्तिकार अहमद को बिल्कुल अपनी टीम में ले सकते हो, प्लस क्या है कि राइट हैंडर है और बल्लेबाजी बहुत अच्छी करता है, फॉर्म में है,
इफ्तिकार अहमद 2 विकेट जो है इकरम अली खिल और शाहिद, ये 2 विकेट उसके खाते में आ सकते हैं, प्लस क्या है कि बैटिंग से ज़बरदस्त रहेगा। तो ले लूँ क्या? चलो रख लेते हैं, क्योंकि पिच पे स्पिनर्स को हेल्प भी मिलने वाली है। तो 4 ऑलराउंडर्स ये मेरे टीम में कन्फर्म रहने वाले हैं, ठीक है भाइयों। इफ्तिकार अहमद पे भले मैं रिस्क ले सकता हूँ, बाकी 3 तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं 4 ले रहा हूँ, बाकी और कोई यहाँ से नहीं खेलेगा। अब चलते हैं, उमर जाई को फर्स्ट बॉलिंग में लेना ही है, ध्यान रखना। अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। उमर जाई साथ में बैटिंग भी अच्छी करता है, रन भी मारता है, ठीक है। अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में आ गया हूँ, पहले बात कर लेते हैं कौन कौन खेलने वाला है। राशिद खान खेलने वाला है, अफरीदी खेलने वाला है, मुजीबुर रहमान खेलने वाला है, हारिस राउत खेलने वाला है, फजल अक फारूकी का मुश्किल है इस मैच में खेलना, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छे हैं तो हो सकता है इस मैच में भी आपको खेलता हुआ दिखाई देने वाला है। हसन अली कन्फर्म में खेलेगा, नवीन उलख कन्फर्म में खेलेगा, नूर अहमद का सुनने में आ रहा है कि भाई इस मैच में खेलने वाला है, पर खेलेगा किसकी जगह पे यार ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो खेलेगा तो इसका भी मैं बोलूंगा कि पूरी पिच टीम में लेना है, क्योंकि पिच स्पिन फ्रेंडली है और भाई इंडिया की पिचों पे इसके रिकॉर्ड देखे थे आईपीएल में, हर मैच में विकेट चटकाता था, तो और क्या है राइट हैंडर्स के विकेट लेके जाता था, लेफ्टियों को भी आउट कर जाता था, ठीक है। तो नूर अहमद अगर खेलता है तो लेना है दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। रन भी बनाता है ये नूर अहमद, बैटिंग बहुत अच्छी कर लेता है, ऑलराउंडर्स में आने वाला कहीं देखना आप, आज से 1.5 साल बाद ऑलराउंडर सेक्शन में देखेगा आपको, ये बैटिंग अच्छी कर लेता है। उसामा मीर भाई, हो सकता है कि उसामा मीर और शादाब खान आज दोनों को ही खिला ले साथ में, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि पीछे स्पिन फ्रेंडली, ठीक है। स्पिनर्स का यहाँ पे बोलबाला रहता है, स्पिनर्स को खिलाओ, मैच को जेब में ले जाओ, जेब में रख के ले जाओ। आप भी इस ट्रिक का यूज कर सकते हो, स्पिनर को टीम में डालो, मैच को अपनी जेब में डालो, ठीक है। चेन्नई है भाई, ध्यान रखना, चेपॉक, चेपॉक के नाम से भी जाना जाता है इस ग्राउंड को। तो भाइयों चलो अब थोड़ा मैं रिलैक्स हूँ, क्योंकि मेरे पास में 27 मिनट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 6 बजे बजेंगे भजन, 5:30 बजे नहीं बजे, चलो अच्छा है। तब मैं आपको आराम से समझाता हूँ, लेकिन हाँ 2 ग्रैंड लीग भी तो दिखाना है, तो भाई स्पीड तो बढ़ा के रखना पड़ेगी। चलो बाकी और कोई नहीं खेलेगा बॉलिंग सेक्शन में, बात कर लीजिए भाई लेना किसको है, किस कंडीशन में किसको अपनी टीम में लेना है बॉलिंग सेक्शन में खासकर, ठीक है। तो देखो अगर उमर जाई को लेना है तो अफगानिस्तान पहले बॉलिंग करेगी, 5 ऑलराउंडर हो जाएंगे, या फिर इफ्तिकार की जगह पे उमर जाई आ जाएगा, ठीक है। पहले मैं आपको 3 प्लेयर ऐसे कंफर्म बता देता हूँ जिसको आपको दोनों कंडीशन में लेना है, ठीक है, कोई भी टीम बॉलिंग करे या बैटिंग करे। तो भाइयों राशिद खान को आपको दोनों ही कंडीशन में लेना है, क्योंकि देखो पाकिस्तान में लेफ्टी भी है, तो भाई राशिद खान के लेफ्टियों के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, और बाबर और रिजवान ये भी राशिद खान की बॉल पे हमेशा आउट हो जाते हैं, तो भाई आज राशिद खान के 100+ पॉइंट पक्के हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है, ठीक है, ये सब कुछ खेल लेता, लेफ्ट आर्म स्पिन, लेफ्ट आर्म हार्ड गेंदबाज, बहुत अच्छा प्लेयर है। बॉलिंग सेक्शन में काय को रखते हैं इसको यार, बैटिंग ऑलराउंडर सेक्शन में डालो इसको, तगड़ा ऑलराउंडर प्लेयर है। तो राशिद खान भाइयों आज के मैच में विकेट कन्फर्म चटकाएगा, 4 लेफ्टी है प्लस उसके अलावा दो प्लेयर ऐसे हैं, कौन, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, इनके विकेट भी ये ले सकता है, लेता है पीएसएल में, लेता था जब आमने सामने दोनों टीमें होती है या फिर आमना सामना जब भी होता है तो राशिद खान उड़ा देता है बाबर को, रिजवान को, प्लस लेफ्टियों को तो मैं बता ही रहा हूँ भाई उड़ा देता है, इसकी गुगली बहुत खतरनाक है, लेफ्टियों को उड़ा देती है, आईपीएल टाइम से ये बात समझाता हुआ आ रहा हूँ। तो लेफ्टी है सामने, मतलब राशिद खान का पक्का है वो विकेट, ध्यान में रखना। तो है लेफ्टी, इमाम है, शकील है, मोहम्मद नवाज है और शाहीन, ठीक है, तो 4 विकेट आ सकते हैं, साथ में रिजवान और बाबर भी आ सकते हैं, 6 विकेट आज राशिद खान के खाते में आ सकते हैं, प्लस बैटिंग भी अच्छी करता है, पाकिस्तान की टीम विकेट तो छटकाएगी, तो भाई आज राशिद की बैटिंग भी आएगी। सीवीसी बनाना मोहम्मद नवाज और राशिद खान को आज से ज्यादा टीमों में, 2 सीवीसी कंफर्म बता रहा हूँ इस मैच में आपको, राशिद और नवाज बहुत तगड़े रहने वाले हैं आज, राशिद को सब ले रहे हैं पर सीवीसी बहुत कम लोग बनाएंगे, मोहम्मद नवाज को बहुत कम लोग ले रहे हैं, सीवीसी तो कोई भी नहीं बनाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब और कौन सा ऐसा प्लेयर है जो मेरी दोनों ही इनिंग में कंफर्म रहेगा, तो उसका नाम है मुजीबुर रहमान,
मुझे वो रहमान तो भाई हो क्या बैटिंग करने लगा है यार, इसको भी ऑलराउंडर सेक्शन में डालो। अब ऑलराउंडर बन गया है, चौके छक्के मारता है, थोड़ी इसकी हाइट भी ज़्यादा है तो क्या है, हाइट पे बॉल भी आती तो उसको भी अच्छा पिकअप करके उड़ा देता है, छक्के ज़्यादा मारता है। मुजीबुर रहमान की बैटिंग का बता रहा था मैं आपको अभी, भाई बॉलिंग से भी आज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि चार जो वो लेफ्टी है वो चार तो या तो राशिद के खाते में आएंगे, या तो मुजीब के खाते में आएंगे, या तो नबी के खाते में आएंगे। लेकिन सबसे पहले उनको आउट करने के लिए मुजीब को बॉलिंग पे लगाया जाएगा। तो भाइयों आज ओक ब्रेक गेंदबाज कमाल करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, साथ में इंग्लैंड की टीम याद है, रूट, ब्रूक, इसके अलावा भी दो राइटियों को और आउट किया था मुजीब ने, और उस दिन मेरी टीम में था, किसी के पास में नहीं था वो मैच का। आप रिजल्ट आके देखो टेलीग्राम पे, भाई अगर उस मैच की वीडियो देता ना आपका भाई ग्रैंड लीग जीत जाते उस मैच में भी। पर क्या है, उस टाइम पे मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने गया था और अगले दिन यार शाम की फ्लाइट थी तो वो मैच मेरा मिस हो गया था। अब क्या है, नाइट में वीडियो बनाता हूँ, सेटअप यहाँ पर है, वहाँ पे था नहीं तो मैंने, और क्या है मोबाइल भी नहीं लेके गए थे हम लोग, एडिटिंग वाला लैपटॉप भी नहीं लेके गए थे एडिट करने के लिए वीडियो, तो फिर क्या है वो मैच स्किप हो गया था। उस मैच में मुजीबुर रहमान ने सारे राइटियों को आउट करा था। मुजीबुर रहमान लेग स्पिन भी बहुत अच्छी डालता है, कैरम बॉल बहुत अच्छी डालता है, ऑफ ब्रेक गेंदबाज है भाई, ये टैलेंटेड प्लेयर है, बैटिंग भी करता है। 54% सिलेक्शन मत देखो, टीम में लो, तगड़ा रहने वाला है दोनों ही कंडीशन में, कोई भी टीम बॉलिंग करे या बैटिंग करे। 10 ओवर कन्फर्म गेंदबाजी करेगा भाई, बैटिंग आएगी इसकी, मैं बता रहा हूँ आपको, मैच टक्कर का है ये, दोनों टीमों के 10-10 विकेट आराम से जा सकते हैं इस मैच में, ठीक है। अफगानिस्तान रन चेस भी करेगा तो भी मुजीब की बैटिंग आएगी, ठीक है, तो मुजीब को लेना है, प्लस बैटिंग बहुत अच्छी करता है मुजीब। अब पाकिस्तान को ही तो धोया था, पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाकर ही तो फॉर्म में आया है बंदा, ठीक है, तो मुजीब को लेना है दोनों ही कंडीशन में। अब और किसको लेना है, तो भाइयों शाहीन शाह, आफरीदी, दोनों ही कंडीशन में लेना है, और मैं बोलूंगा भाई दोनों ही कंडीशन में आप सीवीसीवी कई सारी टीमों में बना सकते हो, ये भी एक तीसरा ऑप्शन सीवीसी के लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। शादाब, नवाज, राशिद, मुजीब और शाइन, भाई ये पांच प्लेयर, और एक मोहम्मद नबी, ये भी सीवीसी के लिए जो प्लेयर है ना, ये भाई सब 100-150 पॉइंट लेते हुए मुझे इस मैच में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो शाहीन शाह आफरीदी तो भाई वो फास्ट गेंदबाज है, बड़ी बड़ी टीमों के विकेट चटकाता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 5-5 विकेट ले जाता है, तो सामने अभी अफगानिस्तान है इनके भी बहुत विकेट चटकाता है, ठीक है। तो भाई ये डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करता है, प्लस ये पावर प्ले में गेंदबाजी करता है, और दोनों ही टाइम पे विकेट जाने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं, तो समझ रहे हो ना, आज इम्पोर्टेंट है। पर हाँ इस पिच पे थोड़ा ज़्यादा फास्ट गेंदबाज को हेल्प मिलती नहीं है, तो हो सकता भाई सीबीसी, मैं बोलूँगा कि भाई ना भी बनाओ तो ठीक रह सकता है इस मैच में, ठीक है। सीबीसी के बता रहा हूँ ना ऑप्शन में, नबी को भी बना सकते हो, राशिद को बना सकते हो, नवाज को बना सकते हो, शादाब को बना सकते हो, ये प्लेयर क्या है बैटिंग भी करेंगे, और क्या है हेल्प इनको मिल रही है इस मैच में। आंखें दर्द कर रही नींद के मारे, ठीक है भाइयों। तो यहाँ से तीन प्लेयर, अब दो प्लेयर ऐसे रहेंगे, नूर अहमद खेल रहा है तो मैं ले लूँगा, उसामा मीर खेल रहा है तो मैं ले लूँगा, बस हो जाएगा मेरा काम, अगर दोनों ही खेल रहे हैं तो, ठीक है, ऐसा मेरा काम हो जाएगा अगर ये दोनों खेल रहे हैं तो। अगर ये दोनों नहीं खेल रहे हैं, मान के चलो उसामा मीर की जगह शादाब आ गया और नूर अहमद को मौका फिर से नहीं मिला, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा है तो हारिस राउफ को ले लो, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करता है हमेशा, और हमेशा विकेट निकालता है डेथ ओवर्स में, खासकर ये बॉलिंग फर्स्ट में चलता है, सेकंड बॉलिंग में खासकर ज़्यादातर फ्लॉप हो जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर बॉलिंग फर्स्ट है पाकिस्तान की तो हारिस राउफ को लेना है, प्लस राउफ भाई बैटिंग भी कर लेते हैं, ठीक है, तो राउफ भाई को बॉलिंग फर्स्ट में लेना है, सेकेंड बॉलिंग में ड्रॉप करना है, इस चीज़ को कहीं पर भी नोट करके रख सकते हो आप, कि बॉलिंग अगर पाकिस्तान कर रहा है तो राउफ अपनी टीम में होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग डालता है, और प्लस क्या है इसके पास में गति है, हमारे गेंदबाज 150 प्लस फेंकते हैं, तो उनमें से एक यही है 150 प्लस फेंकने वाले हारिस राउफ, तो राउफ फर्स्ट बॉलिंग में लेना है।
फारूकी को ट्राई कर सकते हो, खासकर सेकंड इनिंग में ज़्यादा विकेट लेता है, फर्स्ट बॉलिंग में खासकर ये फ्लॉप हो जाता है। हसन अली को अगर सेकंड बॉलिंग है पाकिस्तान की और नूर अहमद और यहाँ से ये नहीं है उसामा मीर, तो भाई हसन अली को सेकंड इनिंग में लेना। सेकंड इनिंग मतलब सेकंड बॉलिंग, अगर सेकंड बॉलिंग कर रहा है पाकिस्तान तो आपको हसन अली को लेना है, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड इनिंग में विकेट चटकाता है, पावर प्ले में 5 ओवर गेंदबाजी करता है, ठीक है, तो ध्यान रखना हसन अली पे भी, सेकंड इनिंग का गेंदबाज है, फर्स्ट इनिंग में इसको विकेट नहीं मिलते क्योंकि डेथ ओवर में हारिस राव और शानशाह अफरीदी रहते हैं, तो डेथ ओवर में विकेट बॉलिंग डालेगा नहीं। लेकिन आप फर्स्ट बॉलिंग देती तो भाई ये 1 से लेकर 20 ओवर तक के ही अपना स्पेल ख़त्म कर जाता है, और उस कंडीशन में जब दिन चलता है तो भाई तू डालता जा, लेता जा तो विकेट। सेकेंड इनिंग का बॉलर है हसन अली, प्लस बैटिंग भी कर लेता है, ऑलराउंडर प्लेयर है, ठीक है, हसन अली, तो हसन अली पे भी ध्यान रखना भाइयों, ठीक है। बाकी बात की जाए नवीन उलग की, तो भाइयों ये भी डेथ ओवर का स्पेलिस्ट गेंदबाज है और फर्स्ट बॉलिंग करती है अफगानिस्तान की टीम, तो बिल्कुल आप इसको ले जा सकते हो इस टीम में, अपनी इस बॉलिंग में भी ग्रैंड लीग में भी। नवीन उलग का न्यूजीलैंड के खिलाफ बोला था ना विकेट चटकाएगा, तो भाइयों वो भी विकेट कुछ ऐसा ही था, स्पिन फ्रेंडली, ठीक है, लखनऊ का, तो ये भी स्पिन फ्रेंडली विकेट है और ये मारता है कटर। अफगानिस्तान की पिच भी ऐसी रहती है जैसी ये विकेट है चेन्नई की, तो भाई आज नवीन उलग इम्पोर्टेंट गेंदबाज है, ठीक है। तो समझ में आया आपको करना क्या है, अगर देखो उसामा मीर और नूर अहमद खेल रहे हैं तो दोनों को ले लो, ठीक है, फिर लगता शादाब ना खेले, ठीक है, तो फिर आपको नूर अहमद और उसामा मीर अगर खेलेंगे तो आपको लेना है 20 टीम में, इतना ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अगर बॉलिंग कर रही है पाकिस्तान तो भाई, और वो दोनों नहीं खेल रहे हैं तो आप चले जाओ सीधे राउत के साथ, और बॉलिंग फर्स्ट कर रही है जैसी पाकिस्तान तो आप चाहो तो यहां से जा सकते हो, बॉलिंग फर्स्ट कर रही पाकिस्तान, हाँ ठीक है, तो वही स्पिनर ही लेना पड़ेगा, अगर बॉलिंग पाकिस्तान करेगा ना तो हसन अली को मत लेना, राउत और शाहीन अफरीदी के साथ रहना, और यहाँ से चाहो तो अगर देखो नूर अहमद खेलता तो ऐसे आप काम कर लेना, ठीक है, या फिर नूर अहमद नहीं खेलता है तो आप चाहो तो ऐसे भी काम कर लेना, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो राउत की जगह पे हसन अली, ऐसा भी काम आप कर सकते हो, ठीक है, तो आप ऐसी टीम भी बना सकते हो, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि दोनों खेले, उसामा मीर भी खेले और नूर अहमद भी खेले, पर खेल सकते हैं, ठीक है, तो अभी के लिए मैं इन दोनों को ही रख रहा हूँ, ठीक है, ये हो गई मेरी स्मॉल लीग की टीम। भाई स्पिन फ्रेंडली विकेट है, स्पिनरों को रखना जरूरी है, बाकी शाहीन अफरीदी ऐसा है कि दोनों ही कंडीशन में विकेट ले जाएगा। इफ्तिकार अहमद को हटा के आप एक हाथ गेंदबाज और ले सकते हो, जैसे कि मान के चलो ये कॉम्बिनेशन भी आप रख सकते हो इस मैच में, ठीक है, पाकिस्तान की बैटिंग करे तो ये कॉम्बिनेशन रख सकते हो आप, ठीक है, और पता चल रहा है कि भाई शादाब खेल ही नहीं रहा है तो शादाब की जगह पे आप क्या कर सकते हो, जब भाई पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है अफगानिस्तान बॉलिंग कर रहा है तो आप यहाँ से चाहो तो नवीन को या फिर ओमरजाई को, ओमरजाई वही मैंने बताया ना एकदम से आके ब्रेक थ्रू, ये कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हो, सारे कॉम्बिनेशन बना के बता रहा हूँ भाई, ठीक है। पता चल रहा नूर अहमद और ये नहीं खेले उसामा मीर, तो इन दोनों की जगह पे आप बॉलिंग फर्स्ट है तो इसको ले लो, और यहाँ से चाहो तो इफ्तिकार अहमद या फिर शादाब जो खेले उसको ले लो, एक कॉम्बिनेशन आप ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन के स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना अभी वीडियो पीछे कर करके। तो भाइयों मैं क्या बना रहा हूँ मैं वो बताता हूँ आपको, पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है मैं मान के चल रहा हूँ तो हारिस राउफ को ले रहा हूँ, बाकी नवीन को तो मैं लूँगा ही, बाकी अभी इन दोनों को ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि भाई मौका मिल जाएगा, ठीक है, तो ये हो गई मेरी टीम। भाई मिस प्लेयर तो निकलेंगे इस मैच में मेरे, अब शादाब खेलेगा तो उसामा मीर नहीं खेलेगा, या फिर हो सकता है भाई तीनों स्पिनर खिला ले पाकिस्तान, उसामा मीर भी खेले शादाब भी खेले और नवाज भी खेले, लेकिन एक और फिर इफ्तिकार भी तो बैठा हुआ है तो मुझे लग नहीं रहा दोनों साथ में खेले, इसलिए मैं अभी उसामा मीर को हटा रहा हूँ, लग रहा है कि शादाब खान को खिला लेंगे ये लोग, ठीक है,
तो शादाब की जगह पे मेरे उसामा की जगह पे शादाब को रख लिया। बाकी नूर अहमद का भाई कंफर्म लग रहा है कि इस मैच में खेलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो नूर अहमद को मैं रख रहा हूँ, नहीं खेलेगा तो हटा दूंगा। और मैं यहाँ से अभी ये रख रहा हूँ। ठीक है, ये टीम है पाकिस्तान, अगर पहले बॉलिंग करता है तो उस कंडीशन में, ठीक है, पाकिस्तान अगर बॉलिंग करेगा तो आपको ये टीम बनाना है, समझ गए। पाकिस्तान अगर बैटिंग कर रहा है तो आप सीधे सीधे यहाँ से नवीन या फिर नूर अहमद नहीं खेलता है तो उसकी जगह पे ये काम कर सकते हो। सेकंड बैटिंग में क्या है, चाहो तो राउत के साथ भी जा सकते हो, पर मैं बोलूँगा राउत को हटा ही दो सेकंड बॉलिंग में, आप ये कर सकते हो। सेकंड बॉलिंग है पाकिस्तान की, तो यहाँ से उमर जाई को रखो ना भाई। भाई इस मैच में ग्रैंड लीग आएगी, देखो मैंने आपको कितना अच्छे से समझा दिया। अगर पहले बैटिंग करती है तो कैट्स कैसी टीम बनाना है, सेकंड बैटिंग करती है टीम, बस यही यही डिसाइड करेगा इस मैच में कि कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है या बॉलिंग कर रही है। ठीक है, समझ गए। तो भाइयों अभी हाल फिलहाल के लिए मैंने ये टीम बनाई है, मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है और अफगानिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा है, तो ये मेरा ग्रैंड लीग का एक कॉम्बिनेशन है। लास्ट मैच के जो प्लेयर थे वो सब तो खेलेंगे ही, बस पता नहीं नूर अहमद आएगा किसकी जगह पे, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है भाइयों, तो ये मेरी टीम है। अब बस इसमें आप चाहो तो ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ये कर सकते हो, यहाँ से भी आप ऐसा काम कर सकते हो, तगड़ा काम हो सकता है ये आपका। दो लेफ्टी को रख सकते हो क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ लेफ्टी रन बनाते हैं, ये अफगानिस्तान के फेवर में टीम हो जाएगी भाइयों। ठीक है, इंडिया सॉरी अफगानिस्तान की फेवर में टीम बना के बता दी, पाकिस्तान की फेवर में टीम बना के बता दी, ग्रैंड लीग जीतोगे इस मैच में, लिख के दे रहा है आपका भाई। ठीक है, ग्रैंड लीग जीतोगे इस मैच में आप। हाँ, बाकी मैं ये बोल रहा था भाइयों, ग्रैंड लीग की बात इतनी क्यों करता हूँ, आपके भाई ने कितनी ग्रैंड लीग जीती उसके बारे में तो बात करें हम जरा। तो भाइयों आपके भाई ने 3000 ग्रैंड लीग जीती है, 3000 से भी ज़्यादा, ये मैं आपको एक राउंड फिगर बता रहा हूँ, आप मेरी आईडी सर्च करना ड्रीमलैंड पे। वैसे तो ग्रैंड लीग खेलते हो तो भाई हर एक बंदा मुझे फॉलो किया रहता है, उसकी फॉलोइंग लिस्ट से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आप तो एक काम करना, मालूम है क्या करना, आप अभी मैंने एशिया कप में 57 लाख रुपये जीता था, ठीक है, और मेरा प्राइम मेंबर जो था ना वो 2 करोड़ जीता था, दिखाता हूँ आपको, आप यहाँ से मुझे फॉलो कर लेना। कहाँ से? एशिया, अरे क्या लिख दिया मैंने, एशिया, ये आ गया एशिया वर्ल्ड कप। आप एक काम करना, यहाँ से मुझे फॉलो कर लेना, ये मेरी डीपी दिख रही है आपको, ये जो 2 करोड़ भाई जीते हैं ना, ये मेरे प्राइम मेंबर थे, इनने मुझे फॉलो किया हुआ है, इनने मेरी 3 आईडी फॉलो की हुई है, देखो सोमेश ठाकरे को फॉलो किए हुए हैं, ये मेरी ये वाली आईडी को फॉलो किए हुए हैं, ये वाली आईडी को फॉलो किए हुए हैं, 3 आईडी फॉलो की इनने मेरी, तो ये 2 करोड़ जीते थे एशिया कप में, और इस मैच में आपका भाई 57 लाख रुपए जीता था। इंस्टाग्राम पर रील्स देख सकते हो, टेलीग्राम पर पिन है, इसी चैनल की शॉर्ट में भी जाके आप मेरी वो विनिंग्स देख सकते हो एशिया कप की, जिस मैच में मेरे मेंबर ने 2 करोड़ रुपए जीते हैं ना। बस आप तो एशिया कप का फिल्टर लगाओ, ड्रीमलैंड पे जाओ एशिया कप का फिल्टर लगाओ और दो बस। यहाँ पे जिस मैच में धुनीत विलालगे ने 5 विकेट चटकाए थे वो मैच ये था भाई, मेरा 2 करोड़ जीता था और मैं 57 लाख रुपये जीता था। बस मेरी टीम में उन्होंने एक प्लेयर चेंज किया था, रोहित शर्मा को ले लिया था, बस इतना सा चेंज कर लिया और जीत गए। किसकी जगह पे? शनाका की जगह पे रख लिया था हमने, जीत गए थे फिर। ठीक है, मैं भी जीता था 57 लाख रुपये, कम होते हैं क्या। ठीक है भाइयों, तो आज की वीडियो में इतना तो नहीं, मैं आपको अब टीम प्रीव्यू दिखा देता हूँ। देखो भाई ये ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एक ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन ये है, दोनों ही टीमों के फेवर में है। ठीक है, तो भाइयों बाकी फाइनल जो मेरी टीम रहेगी भाई वो तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, क्योंकि इस मैच में चेंजेस होने वाले हैं, पता नहीं कौन खेलेगा, शादाब खान को खिला सकते हैं, नूर अहमद को खिला सकते हैं, तो जो फाइनल टीम होगी वो तो भाई आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। बाकी इस मैच में अभी 20 टीम बना के लगाता हूँ मैं, सारी ग्रैंड लीग्स में फंसाता हूँ जरा टीम, और भाई इस मैच में सर लग रहा भजन स्टार्ट हो गए, नहीं हुए लेकिन ठीक है, 10 मिनट हो रहे मेरे पास में, तो
तो भाइयों सब कुछ समझा दिया, फाइनल जो टीम रहेगी टेलीग्राम पे मिलेगी, बाकी आप चाहो तो मुझसे प्राइम मेंबरशिप भी ले सकते हो। 6 ग्रैंड लीग की टीम देता हूँ प्राइम ग्रुप में, दिखाई दी ना अभी साउथ अफ्रीका की टीम, इंग्लैंड की टीम, वो प्राइम ग्रुप में ही दी थी मैंने, प्राइम मेंबरशिप, प्राइम मेंबरशिप सारी ग्रैंड लीग विन कर रहे थे, ठीक है। आगे टेलीग्राम पर रिजल्ट देख सकते हो, कल का मत देखना यार, कल मैच बेकार गया है, लेकिन वीडियो में प्रेडिक्शन पूरा सटीक था, बस मैंने अश्विन ने खेला तो टीम चेंज कर दी, बस वही गलती हो गई, नहीं करता तो सही था, भले अश्विन ही पढ़ा रहता। तो भाइयों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वर्ल्ड कप में अगर आपको ग्रैंड लीग जीतना है, आज ग्रैंड लीग जीत जाओ तो मेरी डीपी लगा लेना। चलो पोस्ट दे देता हूँ, फोटो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, बस वो डीपी में लगा लेना अपनी, ऐसे भी लगा सकते हो, कभी जीतो तो मैं देख लूँ भाई हाँ मेरा मेंबर ग्रैंड लीग जीत गया है, ठीक है। बाकी प्राइम मेंबरशिप के लिए आप मुझसे व्हाट्सअप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरा सिर्फ एक ही रियल टेलीग्राम है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सअप है, बोल के बता देता हूँ, 9131658484, समझ गए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते, ठीक है भाइयों। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, फाइनल टीम मेरी वहीं मिलेगी, 2 ग्रैंड लीग की टीम प्लस 1 स्मॉल लीग की टीम, ठीक है भाइयों। तो आप मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बाकी लीग 11 का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बाकी लीग 11 की टीम आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, लीग 11 ऐप है वहाँ पे मैं गिव अवे करवाता हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लीग 11 को डाउनलोड भी कर लेना, आज क्या है वीडियो खत्म करना पड़ेगी मुझे, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ लीग 11 का भी टाइम है तो 8 मिनट है मेरे पास में अभी, लीग 11 पे है क्या मैं आपको समझा देता हूँ, ये है भाइयों लीग 11, यहीं पे मैं बस स्मॉल लीग्स खेलता हूँ, स्मॉल लीग्स खेलने का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यही है, क्यों है देखो आप समझ जाओगे भाई, यहाँ पे है ना ये है बात, यहाँ पे है ना भाई एंट्री फीस बहुत कम है, जो 4 मेंबर का कॉन्टेंट 2999 का होता है यहाँ पे आपको 2525 का मिलेगा, जो कॉन्टेस्ट 3 मेंबर का 3850 का होता है यहाँ पे आपको 3367 रुपये का मिलेगा, तो यहाँ पे भाई एंट्री फीस बहुत कम है, प्लस यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, जीतना यहाँ पे आसान है, कम पैसों में ज़्यादा विनिंग्स करना चाहते हो, स्मॉल लीग्स में ज़्यादा पैसे दे रहे हो दूसरी साइड पे, यहाँ पे आके खेलो कम पैसों में स्मॉल लीग मिलेगी, लीग 11 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगी, डाउनलोड कर लेना, साथ में आपको 100 रुपये फ्री मिलेगा, साथ में जो भी इंडिया के मैचेस होंगे उसमें आपको मेरी तरफ से लीग 11 पर मोबाइल फ़ोन का गिव अवे मिलेगा, ठीक है भाइयों। तो बस अब वापस चलते हैं ड्रीम 11 पे, वापस आ गया हूँ ड्रीम 11 पे, अब मिलेंगे सीधे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स हो।